तो कैसे आप सभी लोग, तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज तुम लोग कंटिन्यूअसली मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भैया हमें ना ढेर सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि कोविड वापस आ चुका है और कोविड की वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं, तो क्या हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हमें कोविड के आने का वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तुम लोग वैसे भी जानते हो कि मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पे जेन्युइन बात रहेगी, फैक्ट के साथ रहेगी, टाइम पास वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो रहेगा, सो दैट मैं आप लोग को रियलिटी फेस करा सकूं। आप सभी लोग जानते हो कि आज से लगभग 3-4 साल पहले कोविड-19 आया था, उस टाइम पे आप लोग की बोर्ड्स एग्जामिनेशन जो आप लोगों की सीनियर्स कहते हैं वो एक बार कैंसिल हुए थे, बट वो कब हुए थे, जब बहुत ज्यादा सीवियर इश्यूज कोविड के देखने को मिल रहे थे फर्स्ट स्ट्रेन के टाइम पे। जब कोविड की सेकंड वेव आई थी उस टाइम पे भी आप लोगों को शायद याद होगा कि जो बोर्ड्स एग्जाम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, बट अगर हम लोग याद करें कि जब कोविड का पहला वेरिएंट आया था, दूसरा वेरिएंट आया था, उस टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा सीवियर थी गाइस। अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन है आइए चेक करते हैं। अगर आप लोग गूगल पे भी डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं ना कोविड-19, तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा ढेर सारी न्यूज़ आप लोग को देखने को मिल रही है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट आ चुका है, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक केसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली का भी कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिली है, अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग न्यूज चैनल, अलग अलग वेबसाइट पोर्टल यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेसिफिकली कोविड-19 के ऊपर आप लोग को अपडेट्स दे रहे हैं। और ये अभी कुछ हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है, बिकॉज कोविड के बारे में भी हमें आपको पता चला है कि यार चाइना में कुछ ज्यादा ही चीजें सीवियर होने लग गई है। इसको अगर आप लोग को देखना है तो अगर आप ट्विटर के हैंडल में आते हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट देखने को मिला है जो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। तो इसलिए यार गवर्नमेंट की तरफ से प्रिकॉशंस आए कि आप लोग यार अपने एंड से थोड़ा सा दूरी बना के रखो, मास्क पहन कर रखो। इसके अलावा अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आप लोग को ढेर सारे ऐसे वीडियोस और देखने को मिलने वाले हैं जो कोविड के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। मतलब ये कह सकते कि कोविड आया है, ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि कोविड नहीं आया है, तो आप लोग को छोटे मोटे यार प्रिकॉशनरी स्टेप्स को लेना पड़ेगा। बट अगर मैं mygovernment.in की स्पेसिफिक ऑफिशियल वेबसाइट में जाता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, तो इसमें अगर आप लोग नीचे चेकआउट करोगे तो जो केसेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा कम है, डेथ रेट भी आप देख सकते हो कम है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज रेट है ये 98% है भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी जो स्पेसिफिक कोविड का आप लोग को चीजें देखने को मिल रही है ये उतना भी ज्यादा सीवियर नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। इसलिए आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोविड आगे जाके यार ये सीवियर भी हो सकता है भैया, तो क्या उस टाइम भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होने वाले, सीधी सिंपल बात, नहीं होंगे एग्जाम कैंसिल। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑफिशियली सीबीएसई ने इसके ऊपर कुछ ऐसी बातें कहा नहीं है, कोविड को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ नहीं है, कोई बड़ी बड़ी सिटीज में लॉकडाउन लगना चालू हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा सीवियरली स्प्रेड भी नहीं हो रहा है कि हमारे देश में ये पेंडेमिक तो छोड़ो एपिडेमिक भी घोषित नहीं हुआ है। आप लोग को ज्यादा इतना परेशान होना नहीं है, चुपचाप से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चालू करना है। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, यूट्यूब में ऐसे और भी अब देखो ट्रेंडी वीडियोस मिल गए यूट्यूबर्स को, तो वो लोग वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर क्योंकि उनको अपडेट अपडेट ही खेलना रहता है। हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स है वो लोग पढ़ाते रहते गए। अब होता क्या ना, जब हम पढ़ाई वाला कंटेंट डालते तो उसके बीच में ढेर सारे कमेंट आते रहते कि भैया वो तो ये कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं, इसलिए हमको भी ऐसे वीडियो बनाना पड़ता है समझाने के लिए कि भाई बोर्ड्स एग्जामिनेशन बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे, बोर्ड्स तो होने ही होने हैं, ये लिख कर रख लो। अब क्या कोविड फैलेगा ही नहीं? अरे ये तो वक्त बताएगा और भगवान बताएंगे। मैं तो दुआ करना चाहता हूँ कि कोविड ओविड बिल्कुल ना फैले, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर डिसीज है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो दिए थे। तो प्लीज ये बोर्ड्स एग्जाम कैंसिल करने के चक्कर में दुआएं मत करो कि यार एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, किसी की जिंदगी का सवाल है दोस्तों, और आप समझने की कोशिश करो पूरा फ्यूचर, पूरी दुनिया, सब कुछ रुक से जाती है इस बीमारियों के चक्कर में। तो आप लोग समझे, अपनी पढ़ाई को करें कंटिन्यू, अच्छे से प्रिपरेशन चालू रखो। ये बेफिजूल के ऐसे यूट्यूबर जो आप लोग को एक दिन में 5 वीडियोस कोविड के ऊपर बना के भेज रहे हैं, वो आप जानते हो लोग कौन है, तो ऐसे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो, कोई मतलब के नहीं है भाई। अगर जो भी जेन्युइन अपडेट्स देखना है, अगर आप लोग को सीबीएसई का चाहिए, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाया करो, वहां देखने को मिल जाएगी। मैं हमेशा से कहता हूं ये चीज, मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और चीजों को समझो, और ये कोविड के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद मत करना। मुश्किल से बहुत वक्त बचा हुआ है, जनवरी है और फैब, इस बीच में प्रैक्टिकल भी चलने वाले हैं, कुछ लोग के प्रीबोर्ड होने वाले हैं, बहुत प्रीशियस टाइम बचा हुआ है, कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो बस आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें। इन सब के अलावा गाइस मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग अपनी लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। तो इसमें आप लोग हो सके तो वन शॉट वीडियोस देखो, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करें, क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाएं, और इस लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग अपने पास एक ऐसे क्वेश्चन बैंक को जरूर रखें जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले।
जा सकता है। तो मैं आप लोगों को मेरे एंड से रिकमेंड करना चाहता हूँ ओसवाल बुक के लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन बैंक, जो कि आप लोगों को कंबाइंड वे में एक बुक मिल रही है जिसके अंदर आप लोगों के सारे सब्जेक्ट कवर अप हो रहे हैं, सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। जो रहने वाले ओसवाल बुक की तरफ से ये आपके लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बना देंगे। अगर आप लोग इसको अपनी प्रिपरेशन में साथ ही बनाते हो तो आप लोग को एक ही बुक चाहिए जिसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट कवर अप हो रहे हैं। जो मेरे पास यहाँ पे है वो है क्लास 12th की साइंस की बुक, जिसके अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सभी चीजें इसके अंदर कवर अप हो रहे हैं। बहुत तगड़ी बुक है, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए इसको अपना साथी जरूर बनाएं। अगर आप क्लास 10 से हो या फिर 12th में दूसरी स्ट्रीम से हो, सभी के लिए आप लोग को लास्ट मिनट प्रिपरेशन के क्वेश्चन बैंक कंबाइंड वाले आप लोग के लिए मिल रहे हैं। और आप लोग के प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाने के लिए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को इसके अंदर मिल रहे हैं। तो आपको एक बुक के अंदर बहुत कुछ मिल रहा है जो आपकी बोर्ड की बेस्ट प्रिपरेशन को कराने के लिए काफी है गाइस। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग के लिए लिंक प्रोवाइड कर देता हूं जो आप लोग के लिए एक्स्ट्रा ऑफर के साथ मिल रही होगी। जल्दी जल्दी जाएं ऑर्डर करें और अपने घर बुलाकर इसको अपने घर बैठे प्रिपरेशन में अपना साथी बनाएं गाइस। और याद रखिएगा ये काफी अच्छी बुक है, जब मैं छोटा था उस टाइम भी इन्हीं बुक से पढ़ा करता था। तो क्वेश्चंस के साथ दोस्तों कम टाइम के अंदर आप लोग एक बेस्ट टाइम टेबल अपना बना लो कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये चीज को कवर अप करना है जिससे कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। इन सब के अलावा ऐसे दोस्तों से दूर रहे जो आप लोग को डिमोटिवेट करते हो, दुनिया से कटने की कोशिश करो दोस्तों, अभी प्रिपरेशन पे फोकस करने की बारी है। और जो चीज रह गई है, जो चीज नहीं पढ़ पाए उसको रिविजन कर लो, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, स्ट्रॉन्ग बना लो सो दैट बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग की हो सके। बाकी ये कोविड ओविड के चक्कर के वीडियोस को देखने में ज्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसे आप लोग को 500 वीडियोस और देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप लोग को एक न्यूज पोर्टल के लिंक ओपन करके दिखा देंगे और स्क्रोल करके बस बकवास बातें चल रही होंगी कि अरे हाँ अभी ये नई अपडेट आई अभी। अरे भाई वो न्यूज पोर्टल है, उसके अंदर हमेशा अपडेट आती ही रहती है। आप समझने की कोशिश करो, समझदार हो तुम लोग कि कौन से यूट्यूबर्स अपडेट के नाम पे सिर्फ उल्लू बनाते हैं और कौन से यूट्यूबर जेन्युइन अपडेट देते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई कराते हैं। भाई जब ऐसे यूट्यूबर्स के चक्कर में तुम लोग परेशान हो जाते हैं तो हम जैसे यूट्यूबर्स को आना पड़ता है समझाने के लिए कि भाई इन सब चीजों में ध्यान ना दे। कोई बोर्ड्स एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है, ना ही होगा, और दुआ करें कि आगे जाके कोई कोविड ओविड भी ना फैले। और इसके अलावा दोस्तों आपको इस चैनल में सारा जेन्युइन कंटेंट अवेलेबल रहता है, तो इस चैनल को और मेरे फिजिक्स के चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लो। इन सब के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सभी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल रही होंगी, चाहे मेरे प्रीमियम नोट्स हो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल की सारी प्लेलिस्ट। तो जाइए प्रिपरेशन को बेस्ट बनाए और ऐसी जेन्युइन अपडेट्स और प्यारे स्टडी कंटेंट को रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।